two great stalwarts of our country, Pandit Madan Mohan Malviyaji and Atal Bihari Vajpayee, and floral tributes will be paid to both great leaders. Prime Minister will also be releasing a book on Vajpayee ji on the occasion. ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देख कर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था या है, और वो ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन छापने के लिए दांत, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है, उसी के पास पवन के मार्ग के लिए दूसरी नाली बनी है, भोजन को रखने के लिए उदर में स्थान बना है, भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण करता है और वह हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहां से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को शक्ति सुख और शोभा पहुंचाता है। भोजन का जो अंग शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसके मल धोकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ, दूध पानी या अन्य रस का जो अंग शरीर को पीस पोसने के लिए आवश्यक नहीं है उसके निकलने के लिए दूसरी नली बनी हुई है, देखने के लिए हमारी दो आंखें, सुनने के लिए दो कान, सूंघने को नासिका के दो रंग और चलने फिरने के लिए हाथ पैर बने, संतान के उत्पत्ति करने के लिए जनन इंद्रिया। क्या यह परम आश्चर्यमय रचना केवल जल पदार्थों के संयोग से हुई है या इसके जन्म देने और वृद्धि ने हमारे घर के रचयिता के समान किंतु उससे अनंत गुण और अधिक विज्ञानवान विवेकवान शक्तिमान आत्मा का प्रभाव है। आओ हम अपने मन की ओर भी ध्यान दें। देखो हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है। इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, गणना शक्ति, रचना शक्ति, स्मृति भी भेदा हम सबको चकित करती है। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे, कैसे कैसे साधु बनाए, क्या क्या विज्ञान निकाले, क्या क्या आविष्कार किए हैं और कर रहा है, यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता। हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजन और की रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि को As those are live visuals, we are getting you there from the Lok Sabha, a ceremony to pay tribute to Pandit Madan Mohan Malviya, whose birth anniversary it is today. As you can see, Prime Minister Narendra Modi there leading other members of Parliament in paying floral tributes. Today is also the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the two great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there offering floral tributes earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यह अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है,
शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में